मेरी माँ का सपना है तो प्लीज किसी भी कर, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं इतनी चक्कर लगाए मैंने बाद कल के ताना साहिब सारे बिल्डर चोर हैं। इन ग्रेटर नोएडा दीस फ्रस्ट्रेटेड होम बायर्स हैव बीन गैदरिंग एवरी संडे फॉर इयर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल्डर माफिया। दे हैव बीन रेगुलरली स्पीकिंग अप अगेंस्ट द बिल्डर्स हु फेल्ड टू फुलफिल देयर प्रॉमिसेस। These individuals had invested their hard-earned money in purchasing flats, only to be let down by the builder. Many of these protesters are also those who bought flats at Ajinara Homes. They described their situation as dire, with the builder still not honoring the commitments. समस्याएं बहुत है इस सोसाइटी में, जो कि हमें जो 5-6 साल पहले मिल जानी चाहिए थी सारी सुविधाएं, वो आज तक नहीं मिली है। बिल्डर ने हमें ब्रोशर दिखा के ये बताया था कि ये सुविधाएं आपको मिलेगी, जैसे क्लब पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, किड्स एरिया अभी तक नहीं बना है, आपका जितना भी बच्चों का अभी भी खेलने का जो ग्राउंड है वो भी मतलब रख रखाव उसकी कुछ भी नहीं हो रहा है। पैसा पूरा हम लोग दे रहे हैं सोसाइटी को, जो कि मतलब उसका अगर ये 40% भी अगर खर्च कर देना तो सोसाइटी हमारी मतलब इतनी बढ़िया सुंदर हो जाएगी कि मतलब लोग बोलेंगे कि हाँ कोई सोसाइटी है। बट ये बिल्डर सारा पैसा अपने पेरेंट कंपनी के थ्रू वो सारा पैसा यहाँ से निकाल के लेके जा रही है। जब हमने सोसाइटी में फ्लैट लिए थे तो अब फ्लैट के अमाउंट के साथ साथ मैंने रजिस्ट्री के भी अमाउंट दे दिए थे। बिल्डर का कहना था कि आप दे दीजिए, आपके नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। पर तब से लेके आप काउंट कर लो 4 साल हो गए, आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई। अगर हम जाएं बिल्डर के पास मिलने तो बिल्डर बस यही बोलती है कि बस अगले महीने से शुरू होगा। वो क्लियर कट पिक्चर नहीं बताती, लेकिन जो फैक्ट है जो अथॉरिटी से बोलती है, अथॉरिटी बोलती है कि हमें बिल्डर के पास लगभग 23 से 25 करोड़ रुपये बकाया है जो उसने अभी दिए नहीं है। अगर वो देगा तभी हम आप लोग के रजिस्ट्री का काम आगे करवाएंगे, अभी इसके लिए बिल्कुल ही बंद पड़ी हुई है। Despite having paid in full for their flats at Ajinara Homes in Greater Noida, many buyers are left without basic amenities. These individuals are tirelessly navigating bureaucratic hurdles, striving to get their flats registered. They find themselves trapped in an ongoing conflict between the builder and the authorities. जिस टाइम हमने फ्लैट लिया, बिल्डर को अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी और जमीन आवंटित करी, अथॉरिटी ने बिल्डर ने फ्लैट बनाया, उसको बेचा। अब बिल्डर ने अथॉरिटी को कोई पैसा नहीं दिया है या कुछ भी बकाया है, तो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच की बात है। वो हम जो खरीदार हैं वो हम क्यों उससे प्रभावित हों? हम लोग सफ़र कर रहे हैं ना इस इशू के कारण। अल्टीमेटली तो नुकसान हमारा हुआ है। आप समझिए कि रजिस्ट्री का जो कॉस्ट था वो बढ़ गया, पहले सर्कुलेट कुछ और था, अब सर्कुलेट, तो अल्टीमेटली हमारे पॉकेट पर तो अच्छा खासा नुकसान हुआ है। द बायर्स एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट ऑफ बिट्रेयल, क्लेमिंग दैट द बिल्डर हैज इफेक्टिवली स्टोलन देयर मनी। मोरओवर they feel neglected by the authorities, who according to them have failed to take any meaningful action to address the issue. ये यहाँ कुंडली मार के बैठना चाहता है कौन? बिल्डर, ताकि मेंटेनेंस इसकी जेब में आए, है ना, जो अंधाधुंध जो कमाई हो रही है ना उसको जेब में डालता रहे और सोसाइटी को हैंडओवर ना करना पड़े एओ, क्योंकि एओ को जिस दिन इसने हैंडओवर कर दिया उस दिन इसको बाहर कर दिया जाएगा। फिर तो हम लोग अपने हिसाब से अपनी सोसाइटी को मेंटेन करेंगे ना। जो पैसा हम इसको दे रहे हैं, ये जो खा रहा है पैसा इकट्ठा कर रहा है, उसको हम सोसाइटी में लगाएंगे, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, पेंट करेंगे, हॉर्टिकल्चर में ध्यान देंगे, सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे। बायर ने पूरा पैसा दे दिया है, बायर का कोई भी दोष नहीं है। बायर ने इवन एक्स्ट्रा पैसा दिया है इनको ये जो एक आया था कि किसानों को मुआवजा देना है, वो भी बायर से ही लेकर के इन्होंने अथॉरिटी को दिया। उसके नाम पर इन्होंने 2 टावर भी एक्स्ट्रा बना दिया और उस टावर के एवज में मतलब आज तक कभी रजिस्ट्री उस दोनों टावर की नहीं हुई है, क्योंकि उसकी जो मूलभूत सुविधाएं थी जैसे फायर फाइटिंग की सुविधा वो तो पूरी सोसाइटी में नहीं है। बट उस सोसाइटी का OCCC इसलिए नहीं मिल पा रहा है दो टावर का क्योंकि उसका फायर फाइटिंग का नहीं है। लिफ्ट जो बोला गया था कि 4 लिफ्ट लगेगी वो भी नहीं लगा है। उस सराउंडिंग एरिया में जो भी फैसिलिटी देनी थी वो भी नहीं दिया है, उसके कारण OCCC सब रुका हुआ है उस टावर का, इसके कारण रजिस्ट्री नहीं हो रही है। Many residents of the affected housing society have expressed a deep sense of disappointment with the government's lack of response to their pleas. As a result, many have decided to abstain from voting in these elections. They argue that the registration of their flats and access to basic amenities are their fundamental rights, not privileges.
मैं एक जनरल नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा इनकी अर्निंग नहीं है या बहुत प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से अपने उससे ये फ्लैट मैंने जो है लिया था, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों काम करते हैं, ये मेरी वाइफ के नाम से ही है फ्लैट। कुल मिला के मैंने 45 लाख रुपये उसको दे दिए, 40 लाख बैंक ने दिया, 5 लाख मैंने अपने पास से उसको दिया। उसके बाद जाके फिर मैं उससे बोला कि भाई आप सबको जो है अपना फ्लैट दे रहे हो, मेरे को भी मेरा दो। मैंने उसके लिए फ़ाइट किया तो उसने मना कर दिया, आप जहाँ जाना है कोर्ट में जाओ, रेरा में जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वर्डिंग थे उसके मालिक विनीत गुप्ता के कि हमें कुछ नहीं है, आपको जैसा लड़ना है आप लड़ सकते हो, हम पे पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। अगर आप कोई घर बेचने जाते हो अगर, तो क्या होता है कि वो रजिस्ट्री नहीं है तो बिकेगा नहीं आपका, तो बिल्डर क्या करता है, ट्रांसफ़र चार्ज लेता है। जितना अमाउंट रजिस्ट्री का होता है ना, उतने ही चार्ज वो ट्रांसफ़र चार्ज करता है और फिर दूसरे को बेच देता है वो। उससे क्या हो रहा है, बिल्डर को दोनों हाथों में लड्डू मिल रहा है। वो क्या कर रहा है, बेचने में उसको फ़ायदा है, रजिस्ट्री हो जाएगी तो उसको फिर उसका तो सारा प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई पूछेगा नहीं। तो वो यही कर रहा है कि वो पैसा चारों तरफ से इकट्ठा कर रहा है। The beleaguered buyers have sought help far and wide, knocking on various doors, including the builder, the district magistrate's office, the Greater Noida Authority, the RERA office, and even the office of the Uttar Pradesh Chief Minister. Despite their persistent efforts and the breadth of their appeals, they have yet to find any relief or resolution to their distressing situation. हर जगह से देखा जाए तो मेरे को ही प्रॉब्लम आ रही है। ये मैंने अपनी माताजी के उससे लिया था कि मेरी माताजी यहाँ पर आके रहेंगी, लेकिन वो जो है 2020 में एक्सपायर हो गई। उनकी इतनी ख्वाहिश थी, इतनी उम्मीद थी मेरे से, बट लेकिन वो सब जो है इस बिल्डर के चक्कर में, इसकी नीयत के चक्कर में बेकार हो गई। इतना बड़ा नाम था जनारा बिल्डर का, लेकिन सब बेकार हो गया। मैं पॉलिटिकली भी मिला लोगों से, मैं नरेंद्र सिंह तोमर जो है बीजेपी के उनसे भी मिला, उनसे उन्होंने बोला कि हाँ मैं तुम्हारा काम करवाता हूँ। उनसे मैंने बोला भाई आप सीएम के ऑफिस से फ़ोन करवा दो, अरे नहीं इतना छोटे मोटे काम के लिए सीएम के ऑफिस थोड़ी जाया जाता है। उन्होंने पंकज सिंह को फ़ोन लगाया, पंकज सिंह ने बोला कि नहीं भाई सबके साथ ही ये हो रहा है, देखते हैं क्या हो पाएगा। मैं आपका अथॉरिटी में गया, कलेक्टर से मिला, मैं जो है FIR के लिए मैं और यहाँ पर दादरी में आपके SP से मिला, लेकिन किसी ने कुछ भी मेरी हेल्प नहीं करी। आज तक मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं अपनी 37,000 की EMI देता हूँ, साथ में 15,000 रुपये का रेंट दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पर कितना बर्डन पड़ रहा है, मैं कर्जे के तले दबते जा रहा हूँ धीरे धीरे। एक मनी ट्रैप होता है ना, उसमें मैं धीरे 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 डेबिट में आता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा जो है इन सिर्फ फ्लैट की EMI और इनसे इतना ज़्यादा हो गया कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ये फ्लैट मेरा होने के बाद भी इसकी मैं EMI दे रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं है ये फ्लैट मेरा। एट एवरी स्टेज वी आर फेसिंग चैलेंजेस एंड वी आर स्ट्रगलिंग। वी आर ऑलवेज इन टच विद ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, वी आर प्रोटेस्टिंग एवरी वीक, बट दैट इज़ नॉट गेटिंग रिजल्ट। रिसेंटली आफ्टर आवर प्रोटेस्ट, Honorable Chief Minister of UP called us. We had a very good meeting, but thereafter also things didn't move. We presented our case in Amitabh Kant committee. They recommended few things, but it is moving round and round from authority to office to board to cabinet. The builder refused to answer our questions. Meanwhile, this is the response that we received from the RERA regarding our queries. UP RERA has been facilitating completion of extraordinarily delayed 18 projects comprising about 9,000 units under the provisions of Section 8 of the RERA read with Section 6 and 37. UP RERA commissioned an expert study of the legacy projects in Noida and Greater Noida to find out the causes leading to the delay or stalling of these projects and for suggesting necessary strategies for rehabilitation of these projects. The report of the expert consultants was sent to the government with recommendation for appropriate policy initiatives. I'm happy to share with the readers that this report of UP RERA was used by the Amitabh Kant committee and by the state government for formulation of the policy for the legacy projects in Noida, Greater Noida and Yamuna Expressway Industrial Development Authority for the year 2024. While RERA has issued us a standard response, many home buyers like Amit Shukla share a heartfelt plea to the authorities through the probe. Frustrated and desperate, Amit has tirelessly pursued justice, facing countless obstacles along the way. Amit's heartfelt plea for justice is echoed by many other buyers who have found themselves in similar distressing situations. This collective outcry for help should at the very least prompt the authorities to take action and hold the builders accountable.
मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, ये जो भी हमारी सरकार है, अभी जो डबल इंजन की सरकार है, योगी सरकार है, सबको कि भाई मेरा जो है ये फेयर है, कोई भी इसमें गलत धांधलीबाजी नहीं हो, मेरा मेहनत का पैसा है, मैंने बहुत साल लगाए इसको जो है वो करने के लिए, अर्न करके और इस फ्लैट को लेने के लिए, तो प्लीज़ कैसे भी करके आप, 5 मिनट का काम है आपका, आप मेरे जो है रिक्वेस्ट पे मेरा फ्लैट मुझको दिलवा दो बिल्डर से, और मेरा जो पैसा निकलता है बिल्डर पे वो मेरा दिलवा दो, रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूँ, मैंने ये मेरी माँ का सपना है, प्लीज़ कर। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इतनी चक्कर लगाए मैंने।